का बैट तो चल कैसे हो मेरे गेम के दीवानों भाई, बहुत ही मजा होगा जैसे कि तुम्हारा भाई है यार। तो भाई और थंबनेल आपने देख लिया होगा। जी हाँ गाइस, हम बात करेंगे जीटीए फ्रेंचाइजी, जी हाँ गाइस, जो कि जीटीए की सीरीज है उसका थोड़ा शुरू से स्टार्ट करेंगे और जीटीए 6 तक लेकर जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो एंड तक जरूर देखनी है आपको। ठीक है, डिटेल इन्फॉर्मेशन देंगे क्योंकि आप लोग बता सबसे पहले कोई भी न्यूज आती है ऑफिशियल, मैं कोशिश करता हूँ आप लोग बता सबसे पहले न्यूज देने के लिए। ठीक है, तो चलिए करते हैं इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट। अभी मजा आएगा ना वीडियो। फाइनली 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 इतने सालों के वेट के बाद, इतने इंतजार के बाद, इतने सारे रूमर सुनने के बाद, फिर एक वीडियो देखने के बाद, ठीक है, इतनी सारी भसड़ मचने के बाद फाइनली ऑफिशियल रॉकस्टार की तरफ से गाइस न्यूज आ चुकी है जो कि है GTA 6 से रिलेटेड। जी हाँ गाइस, तो कल की ही बात है गाइस, कल ऑफिशियल स्टेटमेंट दे दिया है रॉकस्टार कंपनी ने कि नेक्स्ट ग्रैंड थेफ्ट ऑटो, जी हाँ गाइस, यानी कि GTA 6 का ट्रेलर आपको देखने को मिलने वाला है दिसंबर के अंदर। जी हाँ गाइस, रॉकस्टार कंपनी के 25 ईयर कंप्लीट हो जाएंगे। जी हाँ गाइस, तो 25 साल कंप्लीट होने की खुशी में रॉकस्टार ने ये स्टेटमेंट जारी किया है। आप ट्विटर पर भी जाकर देख सकते हो, इंस्टाग्राम पर भी जाकर देख सकते हो कि GTA 6 का ऑफिशियल ट्रेलर या टीजर आपको दिसंबर में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, या तो दिसंबर की मतलब स्टार्टिंग में होगा, ठीक है, या फिर मिड में भी हो सकता है, लेकिन इतने सालों के इंतजार के बाद फाइनली कुछ तो अच्छा हमें जानने को देखने को मिला। GTA 6 का ट्रेलर तो देखने को मिलेगा। इतनी खुशी GTA सीरीज की अगर बात की जाए कि कब से मतलब वर्क कर रही है गेमिंग इंडस्ट्री में, तो गाइस सबसे पहला जो GTA गेम रिलीज किया था रॉकस्टार कंपनी ने वो रिलीज हुआ 1997 में, जिसका नाम था ग्रैंड थेफ्ट ऑटो। जी हाँ गाइस, ठीक है, उसके बाद GTA का जो दूसरा गेम आया था ग्रैंड थेफ्ट ऑटो 2 वो रिलीज हुआ था गाइस 1999 में। जी गाइस, यानी कि 1999 में ग्रैंड थेफ्ट ऑटो 2 रिलीज हुआ था। ठीक है, जैसे जैसे मतलब टेक्नोलॉजी मतलब अपग्रेड करती गई, ग्राफिक्स में इंप्रूवमेंट होने लगी, पहले क्या होता था मतलब जो गेम्स रिलीज होते थे इतने क्वालिटी भी अच्छी नहीं होती थी, ग्राफिक्स भी अच्छी नहीं होते थे, मोशन कैप्चरिंग नहीं थी उस टाइम पर। ठीक है, सो भाई उसके बाद 22 अक्टूबर 2001 को GTA 3 कंपनी ने रिलीज किया। ठीक है, बाद थोड़ा सा और इंप्रूवमेंट हुई, उसके बाद रिलीज किया कंपनी ने GTA Vice City, जो कि आप लोगों ने मतलब अपने PS2 में या फोन में या कंप्यूटर पर जरूर खेला होगा। ठीक है, मैंने भी बहुत खेला यार, चाइल्डहुड मेमोरी जुड़ी हुई है GTA गेम से। ठीक है, और उसके बाद ये गाइस 2004 में फाइनली इन सब का जो मतलब सबसे बढ़िया वर्जन था वो रिलीज हुआ, जो कि था GTA San Andreas। आप सारे अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। ठीक है, तो GTA San Andreas ने GTA गेम्स की परिभाषा को ही चेंज कर दिया। जी हां गाइस, सबसे कामयाब गेम एक GTA Vice City और उसके बाद GTA San Andreas मतलब साबित हुए। इन गेम ने ओपन वर्ल्ड गेम्स की जी गाइस मतलब परिभाषा चेंज कर ली, सबसे जबरदस्त गेम्स मतलब बन चुके थे उस टाइम पर ये। ठीक है, लोगों ने इतना पसंद किया इनको, इतना खासा पसंद किया, आप लोगों ने भी मतलब इसको खेला, मैंने भी खेला, ऑल ओवर वर्ल्ड ने खेला। तो GTA Vice City से मतलब ज्यादा तो GTA San Andreas लोगों ने खेला है जहां तक मेरे को लगता है, क्योंकि मैंने GTA San Andreas ज्यादा खेला है। ठीक है, उसके बाद गाइस GTA San Andreas के बाद कंपनी ने मतलब पोर्टेबल गेमिंग कंसोल जो था PSP के लिए भी मतलब इसके वर्जन रिलीज की, जो आप PSP में भी खेलते हो, कंप्यूटर में भी खेलते हो, GTA लिबर्टी सिटी स्टोरीज रिलीज किया, उसके बाद GTA Vice City स्टोरीज भी रिलीज किया, जो कि आजकल आप अपने PSP में खेल पाते हो या कंप्यूटर में खेल पाते हो। ठीक है, उसके बाद जी गाइस कंपनी ने GTA गेम्स को थोड़ा सा और नेक्स्ट लेवल पर लेकर गए, तब कंपनी ने रिलीज किया जी गाइस GTA 4 ग्रैंड थेफ्ट ऑटो 4, जो कि सबसे बड़ा GTA सीरीज का फेलियर साबित हुआ था। जी गाइस, देखो गेम बहुत ही जबरदस्त था GTA 4, स्टोरी भी बहुत अच्छी थी, और जो जो रियलिस्टिक चीजें आप GTA 4 में कर सकते हो वो GTA 5 में भी नहीं कर सकते हो, बहुत ही जबरदस्त गेम था। बस फ्लॉप वो इसलिए रहा क्योंकि उसका जो मतलब एनवायरनमेंट है ना, एक तो आप लोग कंपेयर करके देखना GTA 5 कितना कलरफुल गेम है, और एक GTA 5 एकदम आपको पूरे एनवायरनमेंट में ब्लैक ब्लैक ही नजर आएगा। ठीक है, ना ही कलर है ना ही कुछ है, इसलिए थेफ्ट ऑटो की सीरीज का GTA 4 खासा इतना पसंद नहीं किया गया, इतना नहीं चल पाया। ठीक है, उसके बाद जी गाइस, उसके बाद 17 सितंबर को जी गाइस 17 सितंबर 2013 को रॉकस्टार कंपनी का गेम रिलीज हुआ GTA 5। जी हाँ गाइस, और सबसे पहले रिलीज हुआ गाइस PlayStation 3 के लिए और Xbox 360 के लिए। जी हाँ गाइस, 2013 को 17 सितंबर 2013 को GTA 5 ने रिलीज होने के बाद इतनी मतलब पॉपुलैरिटी गेन नहीं की, लेकिन जैसे जैसे लोगों को पता चलता गया, लोगों का गेमिंग में इंटरेस्ट बढ़ता गया, क्योंकि GTA 4 से लोग थोड़ा डिसअपॉइंट हो गए थे।
तो जैसे GTA 5 को लोगों ने खेला, एंजॉय किया, उसकी पॉपुलैरिटी रिलीज होने के एक दो साल बाद ज्यादा होने लगी। जब रिलीज हुआ तब इतनी पॉपुलर नहीं हुई थी, एक दो साल बाद ज्यादा पॉपुलर होने लगा। ठीक है, तो PS3 और Xbox 360 लिए GTA 5 रिलीज हुआ था 17 सितंबर 2013 को, यानी कि आज से 10 साल पहले। ठीक है, उसके बाद रिलीज हो गाइस PS4 और Xbox One में। अरे स्क्रीनशॉट अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो गाइस। ठीक है, तो मतलब यह है GTA सीरीज इतनी जबरदस्त है, काफी सालों से वर्क कर रही है, 1997 से हम लोगों को एंटरटेन कर रही है। धीरे धीरे उसने अच्छे से अच्छा बेहतर गेम्स हमको प्रोवाइड किया है। ठीक है, तो बात आ जाती है अब GTA 6 की, कि GTA 5 रिलीज हुए 10 साल हो चुके हैं, 2013 से 2023 चल रहा है, तो इतने सारे रूमर्स चलते रहते हैं, फेक वीडियो बनती है, रूमर चलते रहे, अरे GTA 6 आ रहा है जी, GTA 6 का ट्रेलर आ गया, GTA 6 का। और आप लोगों को पता है अभी कुछ वक्त पहले GTA 6 की मतलब फुटेज भी लीक हो गई थी। जी हाँ गाइस, ये ट्रेलर मतलब रिलीज तो बहुत पहले हो जाता, अनाउंसमेंट भी हो जाती, लेकिन जो मतलब फुटेज लीक हुई थी ना, उससे कंपनी ने थोड़ा सा और टाइम बढ़ा दिया। क्योंकि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आप अगर GTA के फैन हो, GTA की नॉलेज लेते रहते हो, तो GTA 6 की कुछ रियल फुटेज लीक कर दी थी किसी हैकर के थ्रू। ठीक है, ये चीज कंपनी ने भी मतलब मेंशन की थी कि हाँ वो फुटेज रियल थी। ठीक है, तो भाई GTA 5 एक ऐसा गेम, जी हाँ गाइस, मास्टरपीस साबित हुआ, जो कि 2013 में रिलीज किया था, लेकिन पॉपुलर ज्यादा हुआ 2015 से। ठीक है, क्योंकि PS3 Xbox 360 में 2013 में रिलीज हुआ था, लेकिन PS4 और Xbox One के अंदर, PC के अंदर भी तब तक आ चुका था। तो GTA 5 एक ऐसा गेम था जो कि 2015 से लेकर 2023 तक अब तक धूम मचा रहा है। स्टोरी मोड से ज्यादा लोग इसको ऑनलाइन खेलना पसंद करते हैं। ठीक है, अब तक पैसा कमा रहा है, और जितने भी हमारे गेमर्स है सबकी दिलों की धड़कन GTA 5 बना हुआ था। ठीक है, तो आप इसका ग्राफ आप देख सकते हो, 2015 से 2023 तक की इसकी सेल्स देखो कितनी मतलब हाई है। ठीक है, रिसर्च के मुताबिक अगर मानो गाइस, तो 2023 में, जी गाइस, 2013 से लेकर 2023 तक GTA 5 की 185 मिलियन कॉपीज सोल्ड कर चुका है रॉकस्टार। जी गाइस, ठीक है, 185 मिलियन यूनिट सोल्ड हो चुकी है GTA 5 की। ठीक है, 2013 से 2023 तक, तो ये बहुत बड़ा एक ह्यूज अमाउंट है। ठीक है, तो आगे देखने वाली बात ये है कि जब GTA 6 रिलीज होगा, ऑब्वियसली बात है ये GTA 5 का भी रिकॉर्ड तोड़ेगा ही तोड़ेगा। तो वक्त बताएगा जब GTA 6 रिलीज होगी, मतलब ऑब्वियसली बात है GTA 5 का रिकॉर्ड तो तोड़ेगा ही तोड़ेगा, लेकिन और कितने रिकॉर्ड ब्रेक होने वाले हैं GTA 6 के रिलीज होने के बाद। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। GTA 5 को रिलीज हुए 10 साल तो हो गए, तो लोग मतलब यही आशा कर रहे थे GTA 6 कब आएगा, GTA 6 कब आएगा। ठीक है, क्योंकि स्टोरी मोड खेलकर बोर हो गए, रॉकस्टार कंपनी ने दे दिया ऑनलाइन, GTA ऑनलाइन का लॉलीपॉप दे दिया, कर लो जी इसको चूसो और एंजॉय करो। तो नई नई DLC आती रहती है, नए नए मिशन आते रहते हैं, तो GTA ऑनलाइन खेलकर ही टाइम पास कर रहे थे। तो सिर्फ इंडिया ही नहीं गाइस, ऑल ओवर वर्ल्ड के, आप लोगों को पता GTA का क्या मतलब क्रेज है। GTA 5 से गाइस, GTA सीरीज जो है ना ओपन वर्ल्ड गेम है, ये सिर्फ एक गेम नहीं है। ठीक है, ये फीलिंग है गाइस, जो गेमर्स होते हैं ओपन वर्ल्ड गेम्स खेलने के शौकीन। ठीक है, GTA सीरीज एक ऐसी सीरीज है जो लोगों के दिल के करीब है। तो कंपनी से इतने नाराज हो रहे थे, GTA 6 लेकर आओ, 6 लेकर आओ, कंपनी भी मतलब परेशान हो गई थी। तो फाइनली गाइस ऑफिशियली मतलब न्यूज आ चुकी है, कल ही मतलब कंपनी ने अपना स्टेटमेंट दे दिया कि GTA 6 का ऑफिशियल ट्रेलर या टीजर, ठीक है, जो भी है, दिसंबर के फर्स्ट वीक में या सेकंड वीक में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और जहां तक बात की जाए, ट्रेलर तो अगले महीने आ रहा है, गेम कब तक रिलीज होगा गाइस? गेम रिलीज होगा या तो 2024 के एंड में आएगा, जी हां गाइस, या फिर 2025 के स्टार्टिंग में आ सकता है। तो जहां तक मेरा अनुमान है, 2024 के एंड में या 2025 के मतलब शुरुआत में आपका GTA 6 गेम आपके हाथ में आ जाएगा। ठीक है, और आप थोड़ा सा बात करते हैं कि GTA 6 अगर आ रहा है, 25 में कोई गेम रिलीज होने वाला है, ठीक है, 2024 में रिलीज होने वाला है, ठीक है, तो क्या GTA 6 PS4 में चलेगा, या GTA 6 खेलने के लिए PlayStation 5 ही लेना पड़ेगा? ठीक है, तो गाइस जहां तक मैं आपको बताऊं, देखो आज के टाइम पर आप लोगों ने अभी देखा Spider-Man 2 मतलब सिर्फ PS5 पे एक्सक्लूसिव थी, लेकिन रॉकस्टार कंपनी का जो GTA 6 है वो एक्सक्लूसिव तो नहीं होगा, क्योंकि GTA के जितने भी गेम रिलीज हुए सारे कंसोल के लिए होते हैं, एक्सक्लूसिव नहीं होता। ग्राफिक गेम होगा, बहुत ज्यादा कैपेबिलिटी चाहिए GTA 6 को खेलने के लिए। ठीक है, क्योंकि GTA 6 का मैप GTA 5 से भी बहुत ज्यादा बड़ा बताया जा रहा है। ठीक है, और गाइस एक चीज और बता रहा हूँ, GTA 6 के अंदर एक फीमेल प्रोटैगनिस्ट आपको देखने को मिलेगी, यानी कि लड़की भी एक होने वाली है। जैसे GTA 5 में हमें ट्रेवर, फ्रैंकलिन और माइकल थे, GTA 6 में एक हीरो होगा, एक हीरोइन भी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो जहां तक मेरे को लग रहा है, जिस हिसाब का, जिस लेवल का गेम बन रहा है 2024-25 में जो गेम रिलीज हो रहा है, तो वो मुझे जहां तक लगता है PS4 के अंदर रिलीज नहीं करेगी कंपनी, तो PS5 में ही आएगा, या तो PS5 में आएगा या सीरीज एक्स में आएगा, जो एक्सबॉक्स का सीरीज एक्स है। तो अब बात आती है, क्या GTA 6 रिलीज होने के बाद, PS5 सीरीज एक्स रिलीज होने के बाद, क्या PC में आएगा?
तो गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ, GTA 6 जब भी रिलीज हो 2024 के एंड में 25 के स्टार्टिंग में, तो रिलीज होने के तुरंत बाद पीसी में नहीं आएगा जी गाइस। आप पहले का इतिहास उठाकर देख लो रॉकस्टार कंपनी का, जितने भी गेम कंसोल रिलीज हुए हैं, यानी कि आप लोग ये मान के नहीं, जब GTA 5 रिलीज किया था 2013 में, ठीक है, तो पीसी पर 2015 में आया था, यानी कि 2 साल के बाद। रेड डेड रिडेम्पशन का भी आप देखो, जब मतलब कंपनी ने रिलीज किया कंसोल पर, उसके 1 साल बाद पीसी पर आया था। तो आप लोग ये मानकर चलो अगर GTA 6 कंसोल पर 2024-25 जब भी आता है, ठीक है, पीसी में तुरंत नहीं आएगा, कम से कम 1 साल लगेगा उसको पीसी पर आने के लिए। और जात कर रही कि इसके मतलब क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट होंगे पीसी में GTA 6 चलाने के लिए, तो गाइस मैं आपको बताऊं, 50-60-70 हज़ार तक का पीसी अगर आपके पास है, जब भी अगर GTA 6 आता है, तो GTA 6 को रन नहीं कर पाएगा, जहां तक मेरा अनुमान है। GTA 6 को रन करने के लिए 1 लाख से ऊपर का पीसी आपको बनवाना पड़ेगा, ठीक है। जितने भी लोग इंतजार कर रहे थे GTA 6 कब आएगा, GTA 6 कब आएगा, तो गाइस गेम तो अभी फिलहाल नहीं आ रहा, ठीक है। कंपनी ने ऑफिशियल मतलब न्यूज दे दी है, इसका ट्रेलर या टीजर नेक्स्ट मंथ दिसंबर में देखने को मिलेगा। तो ये काफी खुशी की बात है यार, गेम 1 साल बाद से कम से कम ट्रेलर देखकर खुश तो हो जाएंगे। और आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि जब ट्रेलर रिलीज होगा उसका कितना रिपीट बार मतलब कितनी बार रिपीट कर करके देखोगे, ठीक है। तो भाई यही थी गाइस आज की एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन की वीडियो जो कि मैं आपको देना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग जो भी न्यूज मेरे को पता चलती है सबसे पहले डीपली नॉलेज आपका भाई देता है, ठीक है। तो कौन कौन एक्साइटेड है GTA 6 का ट्रेलर देखने के लिए, ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगे फटाफट से लाइक कर दो मेरी जान, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, जो GTA के लवर है उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाओ, ठीक है। नीचे सब्सक्राइब का बटन है फटाफट इसको दबा के काला कर दो यार, ठीक है, क्योंकि गेमिंग से रिलेटेड हमारे चैनल पर डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलती है, गेमिंग कंसोल के अनबॉक्सिंग दिखाते हैं, प्राइस दिखाते हैं, व्लॉग्स आते हैं, सारा कंटेंट गेमिंग से रिलेटेड आता रहता है, ठीक है। तो बस हंसते रहो मुस्कुराते रहो, गेम खेलते रहो, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।